नमस्कार, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों मैं फिर हाजिर हूँ आपको एक नई वीडियो लेकर, जिसमें दोस्तों आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जिसमें दोस्तों आपको बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में, इसमें दोस्तों आप अपना जैसे कि कोई फॉर्म भरते हैं तो आपको फ़ोटो और डेट की ज़रूरत होती है। अपने फ़ोटो पर जो भी आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होता है उस पर आपको एक अपने नाम की और आपके जो डेट होती है उसकी ज़रूरत होती है। जैसा कि दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि इस प्रकार से आपका फ़ोटो, जैसे कि ये जो फ़ोटो दिया गया है इस प्रकार का आपके पास फ़ोटो होता है, लेकिन आपको ज़रूरत होती है आपके नाम की और दोस्तों आपकी डेट ऑफ बर्थ की, या फिर दोस्तों जिस दिन आपने फ़ोटो कैप्चर करवाया है उस दिन की। तो दोस्तों आपको किस प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन से ही घर बैठे बना लेना है सिर्फ 2 मिनट के अंदर, तो वो आपको कैसे करना है ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो मेरा नाम नरेंद्र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल Study95। दोस्तों अगर आप इसी प्रकार की नई नई वीडियो और नई नई इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों चलिए आप इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है अपने दोस्तों गूगल क्रोम ब्राउज़र में, और गूगल क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद साथियों आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको एक वेबसाइट है जो कि दोस्तों बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है, उस वेबसाइट का नाम है sarkaririzult.com। जैसे आप इस वेबसाइट पर आते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं, रिजल्ट देख सकते हैं, उसके बाद आपके जो भी जॉबें आती हैं नई से नई नौकरी आती हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर दी होती है, आप इसके थ्रू आप यहाँ से अपना फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। ये दोस्तों आपकी नज़र में होगी और आप इसे रोज़ाना यूज़ भी करते होंगे। तो ये वेबसाइट है दोस्तों, आप इसमें से किसी भी एक जॉब वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया SSC GT कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2022, तो दोस्तों मैं इस पर ही क्लिक कर देता हूँ फर्स्ट वाले ऑप्शन पर। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन आते हैं, अप्लाई के लिए आता है, उसके साथ साथ नोटिफिकेशन देखने के लिए आता है, लेकिन उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है रिज्यूम CV मेकर एंड फोटो नेम डेट मेकर। तो आपको यहाँ पर क्लिक हेयर वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक हेयर वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं तो आप कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस खुलकर आ जाता है। ये दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाता है एक ऑप्शन जो कि दोस्तों नेम एंड फोटो डेट मेकर का है। दोस्तों मैंने रिज्यूम, अगर आप रिज्यूम नहीं बनाना जानते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा, तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है मेरे यूट्यूब चैनल पर, पड़ी है, आप उसे देखकर अपने आप स्वयं दोस्तों यहाँ से रिज्यूम बना सकते हैं बहुत ही शानदार और प्रोफेशनल। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको फ़ोटो पर नाम और डेट किस प्रकार से लिखना है एक ही क्लिक में, तो वो आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जो छठा ऑप्शन दिया गया है फ़ोटो पर नाम और डेट कैसे लिखें, नेम एंड डेट ऑन द फोटो मेकर, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप नेम और डेट मेकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपका जो पेज है वो यहाँ पर लोडिंग लेता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आपका पेज लोडिंग लेने के बाद कुछ इस प्रकार का जो इंटरफेस है आपकी स्क्रीन पर खुलकर आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है फ़ोटो एंड नेम ज्वाइनर, यहाँ पर दोस्तों आपके फ़ोटो के साथ आपका नेम और दोस्तों आपकी डेट ज्वाइन हो जाती है। वो आपको किस प्रकार से ज्वाइन करनी है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम फिल कर देना है आपका जो भी नाम है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ जो भी नाम है। दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया, अब दोस्तों यहाँ पर आता है डेट ऑफ फ़ोटो। अगर दोस्तों आपकी आपके फॉर्म में आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगी है तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ ही देना है। अगर आपके फॉर्म में आपकी फ़ोटो खिंचवाने की यानी जिस दिन आपने फ़ोटो बनवाया है उस दिन की डेट डालना है तो आपको वो डालनी होगी। जैसे कि SSC की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार अगर आप कहें तो आपको जिस दिन आपने फ़ोटो खिंचवाया था उसी दिन की डेट आपको डालनी है। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत है तो आप डेट ऑफ बर्थ भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर डाल दी है। अब डालने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको ये अपना जो फ़ोटो है, जो भी आपका फ़ोटो है जिसमें आपकी डेट और साइन और नाम नहीं है, तो वो वही फ़ोटो आपको यहाँ से चूज़ फाइल वाले बटन पर क्लिक करके आपको अपनी गैलरी से सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर जो फ़ोटो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे दोस्तों मैं यहाँ से फ़ोटो सिलेक्ट करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर फ़ोटो मेरा यहाँ पर इमेज जो है JPG वाला फॉर्म फॉर्मेट यहाँ पर आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर मेरा जब फ़ोटो आ चुका है तो अब दोस्तों नीचे मिलता है एंटर द कैप्चा। दोस्तों आपको ये जो कैप्चा दिया गया है जैसा कैपिटल लेटर में दिया गया है कैप्चा, वैसा ही दोस्तों आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो मैं दोस्तों यहाँ पर ये जो कैप्चा दिया गया है ये फिल कर देता हूँ, और कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है जनरेट टेम्पलेट। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सारी डिटेल को फिल करने के बाद आपको जनरेट टेम्पलेट वाले ऑप्शन पर ही क्लिक कर देना है।
तो चलिए दोस्तों हम इस पर क्लिक कर देते हैं जनरेट टेम्पलेट। जैसे हम जनरेट टेम्पलेट पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो हमारा पेज है थोड़ी देर यहाँ पर लोडिंग लेता है फ़ोटो को जनरेट करने के लिए। और जैसे ही हमारा फ़ोटो जनरेट होकर आ जाता है तो दोस्तों उसके बाद हमें इसकी स्क्रीन के बाद दूसरा जो इंटरफेस है हमारी स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा। ये दोस्तों हमारा जो फ़ोटो है यहाँ पर लोडिंग हो रहा है और लोडिंग होने के बाद दोस्तों हमारा जो फ़ोटो है उसके दोस्तों चारों तरफ बैकग्राउंड भी लग चुका है ब्लैक रंग से, और साथ ही साथ दोस्तों हमारे फ़ोटो के नीचे हमारा दोस्तों जो नाम है वो यहाँ पर आ चुका है, और दोस्तों हमारी जो डेट है फ़ोटो खिंचवाने की वो भी आपको यहाँ पर आ चुकी है। दोस्तों आप ये ना कहें कि ये फ़ोटो किस टाइप का है, दोस्तों आपको इसमें दोस्तों मैंने सिर्फ आपको यहाँ पर बताया है कि किस प्रकार आप अपना जो फ़ोटो है उसके नीचे डेट और अपना नाम लिख सकते हैं। दोस्तों आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो ही लगाना है। ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर एक फॉर्मेलिटी के रूप में मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया है कि आप किस प्रकार से यहाँ पर आप कर सकते हैं। ये एक रिव्यू है, आप इसे कमेंट ना करें कि फ़ोटो किस प्रकार का है। तो दोस्तों यहाँ पर नेम भी आ चुका है और यहाँ पर डेट भी आ चुकी है। अब दोस्तों ये जो फ़ोटो है आपको डाउनलोड करना है, तो दोस्तों डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये दोस्तों आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर डाउनलोड हो जाता है। डाउनलोड दोस्तों आपके डाउनलोड फाइल में पहुँच गया होगा। ये दोस्तों कुछ इस प्रकार से यहाँ पर टेम्पलेट डाउनलोड हो चुकी है हमारे कंप्यूटर में भी, तो हम जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो ये टेम्पलेट हमारे कंप्यूटर में कुछ इस प्रकार से लोडिंग लेती है, और लोडिंग लेने के बाद दोस्तों ये टेम्पलेट यानी कि जो फ़ोटो है ये खुलकर कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब दोस्तों ये जो फ़ोटो है हमारा पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो चुका है, आपको इसका साइज़ वगैरह देख लेना है और उसके बाद आपको अपलोड कर देना है। चाहे आप SSC की किसी भी डिपार्टमेंट में, आप चाहे CHSL में ऑनलाइन करते हो, चाहे GD में ऑनलाइन करते हो, चाहे आप MTS, CGL या फिर दोस्तों आप किसी अदर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, ये फ़ोटो आपका सब में ही काम करेगा। और दोस्तों आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको Adobe Photoshop चलाने की ज़रूरत है और ना ही कोई और जो ऐप है वो चलाने की ज़रूरत है। आप आसानी से इस प्रकार से अपना जो फ़ोटो है इसका दोस्तों जो ग्रेट है यहाँ से आप अपना नाम और दोस्तों यहाँ से अपनी जो डेट है वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आप इसी प्रकार की नई नई इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने साथियों फ्रेंड्स का ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे उनकी भी नॉलेज बढ़े और आपको काम करने में बहुत ही आसानी हो। दोस्तों मैं हर वीडियो में आपको लेकर आता हूँ एक ट्रिक की चीज़, जिससे दोस्तों हर ट्रिक से आप आसानी से जल्दी अपना काम निपटा सकें। अगर दोस्तों इसी फ़ोटो को आप अपने फ़ोटोशॉप में एडिट करते हैं तो आपको बहुत टाइम लगेगा, बट दोस्तों अगर आप इस वेबसाइट के माध्यम से इस फोटो को यहाँ पर एडिट करते हैं यानी कि यहाँ पर अपना नाम और डेट यहाँ पर मेंशन करते हैं तो आपको कोई भी टाइम लगने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से आपका फ़ोटो बनकर ऑटोमेटिक तैयार हो जाता है। और साथ ही साथ आपके फ़ोटो के चारों तरफ जो आपका बॉर्डर है ब्लैक रंग से वो भी आपका लग जाता है, जिससे आपका फ़ोटो और भी अच्छा लगने लगता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, थैंक यू सो मच।